दीवार पे उसने और एक कहावत लिखी, क्योंकि उसको मालूम था अपन जा रहे हैं, वापस आने के लिए अपने को रास्ता मिलना चाहिए, इसलिए उसने एक कहावत और लिखी, जब आप अपने डर को जीत लेते हो तो आप आजाद महसूस करते हैं। उसने डर के ऊपर जीत लिया, इसने हॉने डर के ऊपर जीत लिया, निकल गया और निकल के चीज ढूंढना चालू किया तो थोड़ा थोड़ा चीज उसको मिलते गया। पहले बोले हम तो डर के मारे निकल ही नहीं रहे थे, अब तो कम से कम थोड़ा तो चीज मिल रहा है, थोड़ा तो पेट भर रहा है, मैं तो पहले बहुत ही डर रहा था, थोड़ा सा मिल गया था। और ढूंढना चालू किया उसने, और कहीं चले गया, और कहीं जब चले गया तो उसने फिर और एक दीवार के ऊपर लिख दिया, पुराने वस्तुओं को छोड़ना हमें कठिन होता है, हमको आदत बन जाती है कुछ चीजों, हमको कुछ चीजों की आदत बन जाती है और हम छोड़ते नहीं है। देखिए ना, बहुत सारी चीजें हैं, नई नई चीजें मार्केट में आती है और हम नहीं छोड़, हम नहीं पकड़ते उन, बहुत सारी चीजें हम छोड़ते नहीं है, अपने को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। हम तो हरदम बोलते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, यदि 3 साल से यदि आपने कोई वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया है तो उसको निकाल दो, किसको डोनेट कर दो, कहीं तभी उसका इस्तेमाल होगा, जहां वो दे दो, नहीं तो फायदा नहीं है। 3 साल से यदि आपने उसको हाथ लगाया नहीं तो। हम पुराने वस्तुओं को छोड़ते नहीं है, घर में, दुकान में, बाजार में, कहीं भी जाओ, पुरानी वस्तु जो है अपने पास में, अपने पोजेशन में छोड़ेंगे नहीं। उसने लिख दिया कि पुराने वस्तुओं को छोड़ना कठिन होता है, हेम तो वहीं बैठा हुआ है, हेम वहीं बैठा, वो छोड़ने को तैयार नहीं है, वो ढूंढने को तैयार नहीं है, बोलता कि नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा, कभी ना कभी तो मुझे चीज मिल जाएगा। और फिर हाँ, और आगे आगे गया मेज में, और थोड़ा सा चीज उसको मिल गया, उसने फिर दीवार के ऊपर और लिख दिया, जितने जल्दी आप पुराने चीजों को छोड़ेंगे उतना जल्दी आप नए चीजों को ढूंढ पाएंगे। पुरानी चीज जल्दी जल्दी छोड़नी पड़ती,